अच्छा, मेरे को पूछने का था तापसी आपसे एक, ये दुनिया क्या खत्म होने वाली है क्या? क्यों, क्या हुआ? ये धड़ाधड़ फिल्में किए जा रही है, धड़ाधड़ फिल्में किए जा रही है। लेकिन जो भी है, क्या कमाल कमाल के सब्जेक्ट चुनती है तापसी, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। आपको पता है मैंने कल ही सांड की आंख देखी। अच्छा। हाँ, लेकिन जब सांड ने मेरी आंख देखी ना, मैं बहुत घबरा गई। मैं सांड तो फिर भी बेजुबान है, इसको तो मामा भी आंखें दिखा जाते। मैंने मामा की भी आंखें देखी है। चंकी पांडे था ना उसमें, बहुत अच्छी पिक्चर थी, बहुत मजा है। खैर, मेरे मामा को तो लोग बहुत प्यार करते, लेकिन तापसी को भी बहुत प्यार करते सच्ची में। अच्छा, एक और चीज पूछना था आपसे, आप बहुत एग्रेसिव नेचर के हो क्या? नहीं नहीं ना। क्यों? तो फिर हर फिल्म में कोर्ट कचहरी चिल्लाना रोना धोना ऐसा क्यों? मतलब आप डायरेक्टर को बोलो दो पैसा कम दे, लेकिन कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं काटने का अच्छी बात नहीं रहती। अभी मेरे फूफा है, वो सारा दिन कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते रहते। क्यों, केस फेस हो गया उनपे? नहीं नहीं, वकील है वो। अच्छा। फिर मेरे एक मौसा जी भी है। अच्छा। वो भी सारा दिन कोर्ट कचहरी का ही चक्कर काटते रहते। वो भी वकील है? नहीं, उनपे केस वेला है। हमारे का जो सेकंड जोक रहता है ना, उसमें हम लोग ट्विस्ट देते हैं। समझ में आ गया, समझ। ऐसे ही रहता है, मतलब ट्विस्ट बहुत जरूरी है। जोक क्या, मेरी तो पर्सनल जिंदगी में हम लोगों ने ट्विस्ट रखा है फैमिली में। अच्छा। हाँ, एक बहन की शादी हमने पुलिस वाले से कराई है। अच्छा। और दूसरी बहन की चोर से। क्यों? ट्विस्ट के लिए ना, मसाला मिलते रहने की। मैं स्वीट लगी ना आपको? मैं स्वीट हूँ के नहीं? बहुत। नहीं, मैं बहुत मतलबी औरत हूँ। अच्छा? हाँ, मैं मतलब से आई हूँ यहाँ पे। खैर, अभी मेरे को पता चल गया आप प्रोड्यूसर बन गए। हाँ, है ना। तो मैं चाहती है हमारा भोजपुरी पिक्चर में आप पैसा लगाएं। हम लोग नाला सुपारा में बहुत सारी फिल्में बना रहे हैं। कौन सी फिल्में हैं तुम्हारी? अभी एक पिक्चर बना रहे हैं हम लोग, ये एक्शन पिक्चर है। हम चाहते हैं इसमें अगर थोड़ा सा आप पैसा लगा दें। खई के चार ठो चिंगम है? देवर बनेला सिंगम। ये है बहुत इंटेंस एक्शन। इंटेंस भोजपुरी में तो बहुत इंटेंस रहता है। हाँ। आपको सब मालूम है। बहुत। और मतलब पैसा लगाएंगे कोई नुकसान नहीं रहेगा। 80 लाख लगाए थे एक प्रोड्यूसर ने, 90 वापस आया। फर्स्ट डे कलेक्शन मैम 90,000 का। पूरा ज्यादा आता है, ऐसा कोई टेंशन नहीं। खैर, आपकी एक और पिक्चर आई थी मिशन मंगल ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, उसके ऊपर हम लोग भोजपुरी का रीमेक बना रहे हैं। क्या? उसका टाइटल है भैया बिजी रहे मंगल में और भौजी कोहराम मचाए जंगल में। इसकी आईपी अक्षय कुमार के पास है, आप उससे बनवा लो ये पिक्चर। अक्षय जी ना, उनसे बनवा वो लो, तो हमको हेल्प कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। अब मेरे पास मसाज है। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो? नहीं, आपसे ये। हमारे पास मन मर्जिया मसाज है। अच्छा। इसमें क्या होता है? इसमें क्या रहता है कि हम लोग कस्टमर को ऐसा तेल वेल लगाते और तेल लगा के उसको एक पिंजरे के अंदर डाल देते। कौन से पिंजरे में? जिधर एक भूखा शेर होता है। फिर क्या, फिर शेर का मन उसकी मर्जी। उसकी मर्जी, वो मसाज करे के डिनर करे, वो तो उसके ऊपर रहता है। अरे खैर, मेरे को कप्पू याद आ गया, मेरे को जाना पड़ेगा मैम। क्यों? मेरे को अर्जेंट है। वो मेरे पास क्या, वो मनोज वाजपेयी है ना, वो मसाज कराने के लिए आए थे, तो जाते जाते वो अपना वाजपेयी भूल गए। सच्ची में बोल रही हूँ। तो उनका फोन आया, बोला मेरा वाजपेयी किधर है? मैंने बोला देखो वाज तो मैं पाई, लेकिन पाई नहीं पाई है अभी तक में। और वो पाई फिर के मैं झाड़ू मारी तो नीचे पाई था। कभी पाई मेरे को मिल गया है तो मनोज वाजपेयी को मैं दे देती हूँ, नहीं तो पाई पाई का मोहताज हो जाएगा वो। तो उसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी, आई विल सी यू। हमारे ना ये गांव के आसपास एक छेड़ू लाल जी रहते हैं, उनको बड़ा शौक है सेलिब्रिटीज से बात करने का। तो हैं बड़े बदतमीज, तो मैं उनको ही डराना नहीं देता। तो लाइव ही वो आप पे ऑनलाइन आपसे बात करेंगे। पता नहीं, मैंने उनको बोला भी मत आओ, पर आते जरूर है। हाँ जी, छेड़ू लाल जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। कमाल है, आज तो बड़े पतले पतले लोग आए हैं। तापसी जी, आप इतनी पतली हो गई हैं तो पहले वाले कपड़े तो नहीं फिटाते होंगे, तो वो अर्चना जी को दे दो। नहीं, ये खुलवा के भी पहन लेती है। आपने देवटी का म्यूजिक बनाया था ना?
जी हाँ। तो रेवड़ी का म्यूजिक बना दोगे? नहीं, गुड़ की रेवड़ी का अलग बनाना और चीनी वाली का अलग, मिक्स मत कर देना, मेरे को रिमिक्स पसंद नहीं है। मेरे को भी नहीं। शुक्रिया जी, पहली पहन है, मैंने आपकी राम प्रसाद की 13वीं देखी थी जी। आप बहुत रो रही थी जी। मेरे को बड़ा दुख हुआ, पर मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अब आप बिल्कुल मत रोना, वो आदमी जिंदा है, मैंने उसकी दूसरी फिल्म देखी है। अभिषेक जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आपने मिर्जापुर की कास्टिंग करी थी ना, तो जब मिर्जापुर 3 आए तो मुझे भी कास्ट कर लेना। आपको एक्टिंग आती है? नहीं, मुझे गालियां आती हैं। प्रियंशु जी, अच्छा मिर्जापुर में आप एक डायलॉग आपका बड़ा मशहूर हुआ, आप एक लाइन बोलते हो ना कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो शादी के बाद जब कोई लड़की प्रपोज करती है तो आप मना कर देते हो कि कहते हो ये भी ठीक है? ये भी ठीक है। अच्छा तापसी, हमने कहीं सुना था आपके बारे में कि आपने कहा कि मैं कोई सुपर हीरो वाली फिल्म करना चाहती हूँ। हाँ जी। क्यों, आपके दिमाग में ऐसा क्यों आ गया सुपर हीरो वाली फिल्म करनी है? बस वही बचाए करने को। अगर आपके पास में ऐसी कोई पावर आए तो क्या करेंगे आप? यार उस एक्चुअली में बस पावर होनी चाहिए कि कोई लोग लड़े ना। कितनी अच्छी बात है। वो वाली पावर होनी चाहिए, जस्ट टू स्प्रेड के सब थोड़ा खुश और प्यार से रहे, वो अभी इस टाइम पे तो नीड ऑफ द आवर वही वाली पावर है। और भी पावर मैं सोच नहीं सकती इस टाइम। हमारे दर्शकों से मैं जानना चाहता हूँ कि अगर आप के पास कोई ऐसी शक्ति आ जाए तो आप क्या करना चाहेंगे और कौन सी शक्ति को जो है आप धारण करना चाहेंगे, अपने विचार आप पेश कर सकते हैं। जी मैडम। हेलो एवरीवन। हेलो जी। कपिल सर, मुझे अगर ऐसा पावर मिले तो मैं भगवान बनना चाहती हूँ। ओह माय गॉड। आपको क्या लगता है आप उन्हीं भगवान है? नहीं, मैं मेरे पति को मेरे हिसाब से चलाना चाहती हूँ। उसके लिए भगवान बनने की क्या जरूरत है, बीवी बनी रहो। सर मेरा पति दुनिया का सबसे अलग पति है। हाँ सर, जैसे सब पति अपने पत्नियों की सुनते हैं, मेरा पति मेरी नहीं सुनता। तो किसकी पत्नी की सुनते हैं वो? वो अपनी मर्जी का करते हैं सर। करने दो सा, उन्होंने जिंदगी में, हे प्राणी, हे मोहतरमा, इंसान कोई दुनिया में आया अपनी मर्जी नहीं कर सकता। सर वो हमको भी चलाता है ना, वो हिसाब से। अच्छा, जैसे उनका आज पानी पूरी खाने का मन नहीं है। हाँ। मैंने बोला चलो पानी पूरी खाने चलते हैं। फिर नहीं, आज नहीं चलना है। फिर कभी और जाएंगे। अच्छा। हमने बोला चलो आज आइसक्रीम ऑर्डर कर देते है। नहीं आज नहीं, कभी और करेंगे। सर ऐसे थोड़ी ना होता है। आई कहाँ से आप? मैं नवी मुंबई से। तो आपके पति आए साथ में? नहीं नहीं आए। नहीं, क्योंकि आपने बोला होगा यहाँ चलते हैं, उन्होंने बोला नहीं आज नहीं चलते हैं। हाँ मैम, जैसे अभी का एक किस्सा बताती हूँ सर मैं आपको। जैसे ही थोड़ा सा ओपन हुआ लॉकडाउन, थोड़ा सा ये हुआ, हमने बोला चलो कहीं घूमने चलते हैं। जैसे मैंने मेरे हस्बैंड को बोला तो नहीं अभी कहीं नहीं जाना है, अभी बच्चा छोटा है उसको लेके कहीं नहीं जाना है। अच्छा। और नेक्स्ट डे उनके फ्रेंड का कॉल आता है, चलो लेह लद्दाख घूमने चलते हैं। अच्छा। सर इमीडिएट हाँ कर दिया। पीटो पीटो पकड़ को, पीटो पीटो आपका बनता है। सर ऐसे कितने साल हो गए आपकी शादी को? मेरे 8 साल हो गए सर। 8 साल हो गए। हाँ। अच्छा, तो 8 साल बाद ऐसी हरकत कर सकता है पति? मैं हिसाब लगा रहा हूँ कि कितने साल बाद आदमी अपनी मर्जी कर सकता है। 8 साल बाद कर सकता है। गिननी तो कभी नहीं करने देगी ऐसी हरकत तुझे, बिल्कुल नहीं। एक दूसरे को जानते हुए तो 14 साल हो गए। हाँ, तो हमारा वो पीरियड निकल गया। निकल गया। हाँ। सर एक बात आपसे कहना चाहती हूँ। हाँ जी प्लीज। हम आपको हर सैटरडे संडे टीवी पे देखते हैं। अच्छा जी। आज आप मुझे देख रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी, आप स्पेशली आते हो हमारे शो पे, इतना प्यार देते हो, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।